अत्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अत्विक की उम्मीद बने। देश भर में कोरोना की दूसरी लहर में जहां हर रोज लाखों लोग संक्रमित हुए, तो वहीं न जाने कितने ही लोगों ने अपने किसी करीबी को खो दिया। इस पूरे वक्त में लोग एक दूसरे की मदद के लिए भी आगे आए, तो वहीं मेगा स्टार अमिताभ बच्चन भी हेल्थ से जुड़ी कई मुहिमों का हिस्सा रहे हैं और लोगों को इसके प्रति जागरूक भी करते रहे हैं। बिग बी कोरोना महामारी के दौर में इसके बचाव के उपाय भी सुझाते रहे हैं और लोगों को एक मैसेज भी देते आए हैं। लेकिन हम यहाँ सदी के इस महानायक की नहीं बल्कि उनके डॉपलगैंगर शशिकांत पेडवाल की बात करने जा रहे हैं। इन दिनों शशिकांत वीडियो कॉलिंग के जरिए कोविड मरीजों से बात करते हैं और उन्हें हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखने के मैसेज देते रहे हैं और उन्हें खूब मोटिवेट भी कर रहे हैं। क्या है ये पूरी खबर शशिकांत पेडवाल के बारे में जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूँ कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। अमिताभ जैसे ही गेटअप में नजर आने वाले शशिकांत उनकी आवाज को भी अच्छी तरह कॉपी कर सकते हैं। पिछले कुछ समय में शशिकांत 350 से ज्यादा कोविड मरीजों से बात कर चुके हैं और उन्हें खूब मोटिवेट भी कर चुके हैं। शशिकांत यूं तो बिग बी के काफी बड़े फैन हैं और अक्सर उनके जैसे दिखने की वजह से चर्चाओं में भी रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो पेशे से एक प्रोफेसर हैं और गवर्नमेंट के टेक्निकल इंस्टीट्यूट ITI में बच्चों को पढ़ाते भी हैं। शशिकांत बिग बी के सिर्फ एक्सप्रेशन ही कॉपी नहीं करते बल्कि उनके गेटअप को भी खुद में ढालने की पूरी कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि वो चश्मा भी उन्हीं के स्टाइल का पहनते हैं। शशिकांत के मुताबिक साल 2011 में पहली बार उन्हें अमिताभ बच्चन से मिलने का मौका मिला था। अब तक दो बार वो महानायक से मिल चुके हैं। पहली बार शशिकांत अमिताभ से उनके घर पर मिले थे जहां उन्होंने बिग बी को अपनी फोटोग्राफ्स की एल्बम दिखाई थी और दूसरी बार वो उनसे नागराज मंजुले की लेटेस्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान मिले। बता दें कि इस फिल्म में शशिकांत को बिग बी के सभी लॉन्ग शॉट्स निभाने का मौका भी मिला है। शशिकांत जब कॉलेज में पढ़ते थे तो सब दोस्त उन्हें अमिताभ का हमशक्ल कहते थे। तभी शशिकांत ने अमिताभ के कुछ डायलॉग याद किए और कॉलेज के इवेंट्स में उन्हें दोहराना शुरू किया और तभी से वो बिग बी के जैसे दिखने और बोलने की कोशिश करने लगे। शशिकांत से जुड़ी खास बात यह है कि कोरोना महामारी के बाद नहीं बल्कि पहले से ही वो कई NGO और हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को एंटरटेन करते रहे हैं। शशिकांत के मुताबिक वो पहले कैंसर मरीजों से जाकर भी मिलते रहे हैं। इस बार शशिकांत वीडियो कॉल के जरिए कोरोना मरीजों का मनोबल बढ़ा रहे हैं और उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं। इस दौरान वो सिर्फ अपनी बातों से ही नहीं बल्कि लोगों को गानों और कविताओं के जरिए भी मोटिवेट करते नजर आए हैं। लहरों से डरकर नौका पार रहे होते, लहरों से डरकर नौका पार रहे होते, कोशिश कर रहे वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास लोगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भोसले नाम की बुजुर्ग महिला मरीज से जब शशिकांत ने अमिताभ के रूप में बात की तो वो खुशी से फूले नहीं समाई। उनके बारे में शशिकांत को बताया गया कि उनसे बात करने के लिए मरीज 1 घंटा पहले से ही तैयार होकर बैठ गई थी। यही नहीं, जब शशिकांत ने इनसे वीडियो कॉल पर बात की तो उनकी आंखें भर आई। डॉक्टर की माने तो शशिकांत के इस काइंड जेस्चर का कई मरीजों पर पॉजिटिव असर देखने को मिला है। इलाज के दौरान नाराज या गुमसुम रहने वाले मरीज भी खुशी खुशी माहौल में अब वक्त बिता रहे हैं। आपको बता दें कि इस काम के लिए शशिकांत 1 पैसा भी चार्ज नहीं कर रहे हैं। वहीं शशिकांत को भी मरीजों से बात करके उनका मनोबल बढ़ाने का काम बहुत अच्छा लगता है। बता दें कि वो पहले भी देश विदेश में कई इवेंट्स में हिस्सा लेने के साथ TV प्रोग्राम्स में भी हिस्सा ले चुके हैं, लेकिन इस महामारी के दौर में अपनी कला के जरिए मरीजों को टेंशन मुक्त करना एक नेक कदम है जो शशिकांत ने उठाया है। फिलहाल सोशल मीडिया पर शशिकांत का अमिताभ के लुक में मरीजों से बात करने वाली वीडियो काफी वायरल हो रही है और लोग उन्हें काफी पसंद भी कर रहे हैं।